यात्री घायल हो गए। मौके पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि नशे में धुत था बस चालक, वहीं घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। महाराष्ट्र के पुणे से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास जा रही एक शताब्दी बस जनपद जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में गोविंदम ढाबा के पास देर रात अनियंत्रित होकर पलट गई। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बस्ती के लिए जा रही एक शताब्दी बस संख्या UP63AT8332 देर रात अनियंत्रित होकर पलट गई और खंडक में गिर गई। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों तथा यात्रियों ने समीपवर्ती थाने पर सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक के आला अधिकारी तथा एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन कर सवारियों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। इस संबंध में जानकारी मिली कि करीब 15 सवारियां घायल हुई हैं और सभी सवारियों को नगर क्षेत्र में स्थित एक होटल में ठहराया गया। हालांकि इस घटना से बस चालक मौके से फरार हो गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में धुत होकर बस चला रहा था। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हरिओम बुधौरिया, जालौन, समाचार 24। भैया संतोष कुमार विश्वकर्मा। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? पुणे से। कहाँ को जा रहे थे आप? गोरखपुर। अच्छा, क्या हुआ रास्ते में, ये हादसा कैसे हुआ? रास्ते में गाड़ी वो भरलो कुछ ज्यादा थी। हाँ हाँ, इसके वजह से वो मतलब खाई गिर गया, आधा घंटा हो गया। अच्छा, आधा घंटा हो गया। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? 6-7 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, अब मौके पे पुलिस आई है? हाँ सर आई है। अच्छा, 10 मिनट के बाद मतलब पुलिस आई है। ठीक ठीक, ओके। भैया कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे आप? अच्छा, ये जो हादसा हुआ कैसे हुआ? बस चला था तो तेजी से, पता नहीं था, तो अच्छा कितने टाइम का हादसा है ये? अभी। अच्छा, कितने लोग घायल हुए इसमें? मालूम नहीं। सर, एक NH27 पर सड़क हादसा हुआ है, सर क्या है मामला पूरा सर, और कितने लोग घायल हुए हैं? हाँ, ये बस आ रही थी पुणे महाराष्ट्र से, बस्ती के लिए जा रही थी, और ये सरसोती है जगह, NH27 पे ये घटना, ये बस पलट गई, ड्राइवर की लापरवाही हो गया, और इसमें करीब 15 आदमी अभी तक हमारे पूरा नफरी मिलाए गए हैं, घायल हैं, सारे लोगों को मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया, हमारी पुलिस टीम तत्काल पहुंची, पूरी कालपी की फोर्स है, सदर की फोर्स है, हमारे COCT साहब आए, मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, एम्बुलेंस आ गई है, सारी पुलिस की गाड़ियाँ हैं सर, और सब स्टेज सुरक्षित हैं, उनको आगे हम होटल में व्यवस्था भी कर दी है, बस की व्यवस्था कर दी है, जो शेष है उनके सामान वगैरह की निगरानी गिन करके हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, यात्रियों का आरोप है कि बस चालक शराब के नशे में था। अच्छा, बिल्कुल वो भाग गया है जो हमें जानकारी है, और हम पकड़ेंगे उसको, हम अभी रेस्क्यू का काम जरूरी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लापरवाही तो है, गाड़ी पलटी है।